हेलो दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर प्रिंस शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल की बात में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लैपिंग जोन इन कॉलम, मतलब जो हमारा कॉलम होता है उसमें हम लैपिंग कहां पे प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने से आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां मिल जाएगी जो कि आपको शायद ना पता हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने कॉलम का एक सेक्शनल एलिवेशन बना लिया है। ये जो आप ग्रीन कलर की वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं, ये कॉलम में डाले गए वर्टिकल बार हैं, और ये जो आपको हॉरिजेंटल कलर की ग्रीन लाइंस दिख रही हैं, ये आपके स्टीरर्स हैं, मतलब जो कॉलम में हम लोग रिंग प्रोवाइड कराते हैं, रिंग बांधते हैं वो है। और ये जो आप रेड कलर का ये देख रहे हैं, ये कॉलम है, और कॉलम को इस रेनफोर्समेंट से 40 mm का कवर छोड़ के कास्ट किया गया है। तो ये आप ये जो ग्रीन कलर और रेड कलर के बीच में ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये रेनफोर्समेंट और कॉलम के बीच के 40 mm कवर का कवर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लैपिंग होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लैपिंग इज अ प्रोसेस टू मेक द कंटिन्यूटी ऑफ बार सो डेट लोड कैन बी इजी ट्रांसफर वन बार टू अनदर बार। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है बार को कंटिन्यूटी बनाए रखने का, जिसके द्वारा लोड जो है एक बार से दूसरे बार पे आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। तो दोस्तों, लैपिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब आप ये जानिए कि कॉलम में जो हम लोग लैपिंग देते हैं वो किस जोन में देते हैं। तो दोस्तों, कॉलम में जो लैपिंग दिया जाता है वो कॉलम के टोटल डिस्टेंस जितनी होती है उस डिस्टेंस से ऊपर से L बाई फोर और नीचे से L बाई फोर छोड़ के बीच का जो हमारा डिस्टेंस बचता है उस जोन में हम लोग लैपिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे मान लिया कि आपका ये टोटल कॉलम जो है उसकी हाइट मान लीजिए कि आपकी 12 feet है। तो सपोज डेट टोटल हाइट ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 12 feet। अब आपको हमने बताया है कि कॉलम में जो हम लोग जो लैपिंग देते हैं ऊपर से L बाई फोर और नीचे से L बाई फोर छोड़ देते हैं, बीच का जो हमारा एरिया बचता है उस जोन में हम लोग लैपिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसा कि आपने माना है कि कॉलम की टोटल हाइट 12 feet है, तो अब आपको ये निकालना है कि L बाई फोर कितना आ रहा है और L बाई टू कितना आ रहा है। तो इसको कॉलम की टोटल हाइट को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हाइट ऑफ कॉलम जो है आपकी 12 feet है। तो मतलब ऊपर से 3 feet और नीचे से 3 feet छोड़ के बीच का जो 6 feet एरिया बच रहा है उस एरिया में आपको लैपिंग प्रोवाइड कराना है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि ऊपर से 3 feet और नीचे से 3 feet छोड़ के बीच का जो आपका 6 feet का एरिया बच रहा है उसमें आपको लैपिंग प्रोवाइड कराना है। दोस्तों, एक बार मैं आपको ये पूरी तरह से कंफर्म कर देता हूं कि कॉलम में लैपिंग हमेशा मिडिल जोन में इसलिए दिया जाता है क्योंकि कॉलम में सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट जो काम करता है वो ऊपर से L बाई फोर और नीचे से L बाई फोर डिस्टेंस तक काम करता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉलम में जो लैपिंग प्रोवाइड कराते हैं वो हमेशा मिडिल जोन में ही प्रोवाइड कराते हैं, मतलब L बाई टू जोन में ही प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों, कॉलम में लैपिंग प्रोवाइड कराने के साथ साथ कुछ ऐसे एक या दो प्रिकॉशंस ऐसे भी हैं जो आपको जानने चाहिए कि दोस्तों, जब आप कॉलम के मिडिल जोन में जब लैपिंग आप प्रोवाइड कराते हैं तो ये जो आपके स्टीरअप्स होते हैं इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, मतलब जिस जोन में आप लैपिंग दे रहे हैं उस जोन में स्टीरअप्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। तो मान लीजिए कि इन दोनों स्टीरअप्स के बीच की डिस्टेंस आपकी 150 mm है, 150 mm है। तो जब आप L बाई टू जोन में जब लैपिंग प्रोवाइड कराएंगे तो स्टीरअप्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये आपका जो 150 mm है तो ये फिर आपका 125 mm या फिर 100 mm पे आपको स्टीरअप्स मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, लैपिंग जोन में जब आप लैपिंग प्रोवाइड कराते हैं तो आपको अल्टरनेट लैपिंग प्रोवाइड कराना रहता है। अल्टरनेट लैपिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया कि एक बार आपका ये है कॉलम का, एक बार आपका ये है, एक बार आपका ये है और एक बार आपका ये है। तो पहले बार में आपने मान लिया कि यहां पे लैपिंग प्रोवाइड करा दी, पहले बार में मान लिया कि आपने यहां पे लैपिंग प्रोवाइड करा दी। अब दूसरे बार में आपको क्या करना है, आप यहां पे लैपिंग प्रोवाइड करा दीजिए। फिर तीसरे बार में क्या करना है, आप यहां पे लैपिंग प्रोवाइड करा दीजिए। फिर चौथे बार में क्या करना है, आप यहां पे लैपिंग प्रोवाइड करा दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो प्रोसेस है लैपिंग का वो अल्टरनेट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे बार्स होते हैं उनके बीच जो कंक्रीट जब हम लोग फिल करते हैं तो उसके बीच ग्रिपिंग काफी अच्छे से बनी रहती है। तो दोस्तों,
आपको जहाँ पे जिस जोन में आपको लैपिंग प्रोवाइड कराना है वहाँ पे सिटी रैप्स के बीच का डिस्टेंस कम कर देना चाहिए, और जो हमारे लैपिंग बार हैं वो अल्टरनेट प्रोवाइड कराने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कॉलम के स्ट्रेंथ पे काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा टॉपिक था लैपिंग जोन इन कॉलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉलम की कास्टिंग या फिर कॉलम में लैपिंग प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो आपके कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपके स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे आपका स्ट्रक्चर कमजोर होता है। तो दोस्तों, ये सब ऐसी बातें हैं जो बहुत जरूरी बातें हैं, और खास करके ये वीडियो खासकर उन फ्रेशर भाइयों के लिए हैं जो कि अभी अभी नए नए साइट को ज्वाइन करते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।